मैं सुबह 8:30 बजे उठता हूँ। एज अ बेरोजगार मुझे आदत हो गई है 8:30 बजे उठने की। ब्रश करता हूँ और फिर फ्रेश होता हूँ, तब तक मेरा फ़ोन 60% चार्ज हो जाता है। फ़ोन लेकर मैं सबसे पहले अपने मेल चेक करता हूँ जॉब रिगार्डिंग, और अगर किसी इंडस्ट्री का मेल ना आया हो तो फिर ये 1.4 GB डाटा कैसे ख़त्म करना है उस पर काम करता हूँ, लेकिन मेरा डाटा ख़त्म ही नहीं होता और किसी बेरोज़गार का दिन इस तरीके से शुरू नहीं होता। तो शुरू करते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ अ बेरोजगार। मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूँ। अलार्म से नहीं, मेरी माँ मुझे उठाती है। ब्रश करता हूँ और फ्रेश होकर जिम के लिए निकलता हूँ। जिम से आने के बाद बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है और मेरे पास वे प्रोटीन नहीं है, तो फिर 4 अंडे। फ्रेश होने के बाद मैं अपना फ़ोन लेता हूँ, तब तक मेरा फ़ोन 100% चार्ज हो चुका होता है। फ़ोन लेने के बाद सबसे पहला काम मेल चेक करना, उसके बाद Naukri.com और फिर Indeed। जॉब रिलेटेड काम ख़त्म करने के बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। स्नैपचैट फ़िलहाल ही शुरू किया है तो उस पर ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ। मेरा शायरी का पेज है इंस्टाग्राम पर, तो डेली पोस्ट करना ज़रूरी है, और यूट्यूब के लिए इस तरह के वीडियोस बनाता हूँ। अगर वीडियो नहीं बना रहा तो एडिट करता हूँ, और अपना ज़्यादातर वक्त एडिट में बिताता हूँ। मैं अभी अभी बेरोज़गार बना हूँ। इससे पहले मेरे पास जॉब थी, करीबन 6 से 7 महीने मैंने वो जॉब की, फिर मज़ा नहीं आया तो छोड़ दी। अभी फ़िलहाल तो घर पर ही हूँ। एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, मज़ा नहीं आ रहा था। एक बंद से कमरे में 8 घंटे पीछे के सामने बैठना विदाउट सनलाइट, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था। बाहर का तो कुछ काम ही नहीं था, पीछे के सामने ही काम करना था सब। फ़िलहाल भी मैं 8 घंटे बैठता हूँ, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी। मैं अपने बॉस के लिए काम करता था। वहाँ का माहौल ही अच्छा नहीं था, सो मैंने छोड़ दी जॉब और अब घर पर वीडियोस बनाता हूँ। ये उन्हीं में से एक है। इससे पहले आया था 24 आवर्स विदाउट होम। अगर आप ये देख रहे हो तो वो भी देख लेना, बहुत मेहनत की है, मज़ा आएगा। दैट्स इट। करीबन 1 बजे तक एडिटिंग करने के बाद मैं लंच लेता हूँ। लंच ख़त्म करने के बाद मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़ने। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक नहीं है, मैं ज़्यादातर बुक्स ही पढ़ता हूँ। बाय द वे, लाइब्रेरी में अलाउड नहीं था शूट करना, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। और लाइब्रेरी से आने के बाद मैं चाय बनाता हूँ, देखना चाहोगे? देख लो। चाय पीने के बाद थोड़ा वक्त यूट्यूब पर, और इस बार मैं कोटा फैक्ट्री देख रहा हूँ। आफ्टर दैट थोड़ा वक्त टेरेस पर बिताता हूँ, न्यू इंडस्ट्री के बारे में सर्च करता हूँ या फिर न्यू वीडियो के कॉन्सेप्ट सोचता हूँ। टेरेस से नीचे आने के बाद थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, जब तक मेरे पापा घर नहीं आ जाते। और फिलहाल तो IPL का माहौल बना हुआ है, तो IPL ही देखता हूँ। फैमिली डिनर के बाद थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग नेक्स्ट वीडियो के लिए।
क्योंकि फ़िलहाल तो मैं घर पर ही हूँ। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, और फ़िलहाल मैं स्क्रिप्टिंग ही कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो है डे इन लाइफ ऑफ द बेरोज़गार, जो आप अभी देख रहे हो। और सोने से पहले एक बार IPL का स्कोर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी ड्रीम इलेवन खेलता हूँ।